सी जिला कोशियोलापुर ग्राम भवानीपुर में आशुतोष यादव नामक 10 साल का छोटा बच्चा बहुत ही गहरी समस्या से ग्रसित है। एक बार तो आशुतोष यादव जो 2-3 साल पहले उसी रास्ते पे बारिश के दिनों में गिर गए थे, जिसके कारण उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था और सर में भी गहरी चोट आई थी। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इसी समस्या से परेशान हैं। क्या नाम है बेटा? आशुतोष यादव। किस क्लास में पढ़ते हो? सेवन। क्या समस्या है छोटू? सड़क नहीं बन रहा है और इस पे बहुत कचरा थी, और मैं सड़क के गिर गया, मेरा हाथ टूट गया। कितने साल पहले बाबू? 2-3 साल। हाँ भैया बोलिए, क्या समस्या है? समस्या है कि बरसात में इस रोड पे आने जाने लायक नहीं रहता है, बच्चे गिर जाते हैं, उनका हाथ टूट जाता है। एक आदमी राहगीर जा रहा था तो उसको गिर गया, उसका पैर टूट गया। हम लोग के आवे के जाए के सड़क ही बढ़िया से बन जा, पूरे गांव के होने के जनता इधर क्योंकि कायदे के चक्रोट रास्ता न हमने सोचते करने की बढ़िया बन जाए। कितने लोग होंगे आंटी इस रोड से जाने वाले? बहुत हमले के पूरे तो से कहते इधर से बहुत दूर तक पक्के पर उधर बड़ी दूर से आदमी ये पे सब आओ। मैं ये वीडियो काफ़ी प्रयास के बाद 2 महीने पहले मैंने ये वीडियो अगस्त के लास्ट और सितंबर के फर्स्ट वीक में मैंने कंप्लीट किया था। अब इस पे बदलाव काफ़ी बातचीत भागदौड़ करने के बाद ये बदलाव नवंबर में आया है। मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए और मैंने अपने समुदाय के लिए किया, और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि नहीं मैं भी अपने समुदाय के लिए कुछ कर सकती हूँ। दीदी ने जब आप वीडियो बनाया तभी रास्ता बनने लगा। कैसा लग रहा है फिर ये रास्ता बन रहा है तो? अच्छा लग रहा है। यहाँ जब से मैडम आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग का काम कर रही हैं, इसके पहले तो कुछ नहीं हुआ। अब एक कार्य जब से आपके माध्यम से काम शुरू हुआ है, तब से यहाँ काम शुरू हुआ है। ये काम अच्छा हो रहा है, हमारे गांव के जनता को सुविधा इससे मिल रही है। अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है, गाड़ी मोटर फर्स्ट क्लास के द्वार तक घर तक आ जा रही है। अब समस्या कुछ हद तक तो कम हुई है। वीडियोग्राफी के वजह से यहाँ पे बहुत जल्दी सुधार और विकास का जो किरण रुका है, वीडियो का बहुत बड़ा इसमें योगदान और सहयोग है। ये आप लोगों ने इतना संघर्ष करके ये रोड बनवाया, बहुत काफ़ी दिनों से इसमें पड़ा हुआ था, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस गांव वालों को जब समस्या से ग्रसित होते हुए देखी थी तो यहाँ के प्रभावित लोगों को देख के मेरे मन में एक अजीब सी उलझन हुई थी कि नहीं मुझे इस गांव के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। इसके बाद मैंने वीडियो बनाने के बाद लगातार ग्राम सरपंच जी के पास दौड़ती रही और उनसे बातचीत करती रही। आज अपने समुदाय के लोगों को खुश होते हुए देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है कि नहीं मैं भी अपने समुदाय के लिए कुछ कर सकती हूँ, और मैंने अपने समुदाय के लिए किया। मैं शबनम वाराणसी जिला के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।